नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन सजे बाजार लेकिन महंगाई की मार से सहमे। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में नवदुर्गा की धूम मची हुई है। बाजार भी सज गए हैं, जिसमें मां की चुनरी, मुकुट, दीप सहित अन्य सामान की दुकानें सज चुकी हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना यह है कि महंगाई की मार के कारण उतनी बिक्री नहीं हो पा रही है जितनी उम्मीद की थी। उनका कहना यह है कि सामान 10-15% महंगा हो गया है, जिससे ग्राहकी में गिरावट आई है। रायसेन से इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्योमरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या खरीदने आई हो आप? माता रानी कपड़े, माता रानी के बाल, सिंगार। क्या आपने घर पे बैठाई है क्या? नहीं, वो तो हमेशा ही बैठी रहती है। अच्छा, तो अब 9 दिन का श्रृंगार करोगे आप? 9 दिन का श्रृंगार करोगे। क्या नाम है आपका? केसर मांडवी। कहाँ रहते हो आप? वार्ड नंबर 4। हमारे यहाँ माता की चुनरी है, झंडे है, तांबे के दीपक वगैरह है, लैंप वगैरह है, कैंडल है, ज्योत वगैरह है। ये सब सामान 9 दिन बिकता है कि? सामग्री का टोटल सामान है। और शुरू में स्टार्टिंग में अच्छा धंधा होता है, इसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि इस बार थोड़ी महंगाई भी है। महंगाई की वजह से 10-20% रेट भी बढ़े हुए हैं, जिससे क्या है, ग्राहक पुराने रेट में मांगता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब महंगा हो गया तो दुकानदार भी महंगा बेच रही है, तो महंगे के महंगाई की वजह से थोड़ी ग्राहकी में कम है।